वसीयत करो, जो कुछ भी तुम छोड़ चले हो उसकी वसीयत करो, जिसके हक में जी चाहे वसीयत करो। दूसरे इला आए, उन्होंने कहा नहीं, सारे माल में वसीयत नहीं हो सकती, सिर्फ एक तिहाई में हो सकती है। अच्छा जी, जिसके हक में? नहीं, जिसके हक में तुम कुरान जो कहता है, नहीं वो नहीं, वारिस के हक में नहीं हो सकती। पूछा गया कि साहब इसके लिए कोई सनद, कोई दलील, ये जो उस खुदा के हुक्म को यूं पलटा के ये कर दिया है आपने? कहा कि ये जो हम कह रहे हैं ये हदीस में है और हदीस ने कुरान की आयत को मनसूख कर दिया है।